Yes. Welcome to the home classes and digital initiative by Director School Education Jammu. Magnetic effects of current. Yes, magnetic effects of current. Students, इसका second video हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट की और साथ में बात करी थी बड़ी अच्छी एक्टिविटी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की. आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड वीडियो की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. थर्ड वीडियो जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, इसमें जो है बहुत सारी एक्टिविटीज रहने वाली है और साथ में इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग वो हमारा रहेगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड, हम इसी में बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. एंड थर्ड विद एक्टिविटी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, और जिससे आप लोग ज्यादा फैमिलियर होंगे इलेक्ट्रिक मोटर. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद अ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. सो इसको करने के लिए ना सबसे पहले ये फिगर देख लो. आप लोग इस फिगर का सेटअप देख लेते हैं हम लोग, ये फिगर क्या कह रही है. क्लियर? देखिए, इसमें ये एक बीच में आप देख रहे हैं अल्मोनियम की राड लगी है, ए बी अल्मोनियम की राड है, और उसकी ए और बी एंड जो है दोनों वायर्स से जो है वो एक बैटरी के साथ, एक सेल के साथ कनेक्ट है. क्लियर? और बीच में हम एक क्या रख रहे हैं, हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो रख रहे हैं, जिसका नॉर्थ और साउथ जो है वो उसके जो है परपेंडिकुलर में है. क्लियर? अब ये सेटअप क्या कहता है, इसका क्या मीनिंग है, इसको डिस्कस करने से पहले हम आप एक एक्टिविटी छोटा सेटअप देख लेते हैं. सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जो ऐसा सेटअप हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया है, एक्टिविटी में सिंपल सेटअप रखने की कोशिश की है, सो दैट कि आप लोग घर पे भी जो है वो ट्राई करें उसको. क्लियर? उस इफेक्ट को ट्राई करें. सो लेट्स वॉच द एक्टिविटी. देखिए, आप एक सेल लिया है हम लोगों ने, तो वहां से दो वायर्स कनेक्ट किए हैं, वो नीचे की तरफ एक स्टैंड पे रखा है सारा सिस्टम. और नीचे जाकर एक हम लोगों ने, अभी देखेंगे आप लोग, एक ये रॉड है, एल्युमिनियम रॉड जो है वो ली है, जो यहाँ पे सस्पेंडेड है इस पूरे सेटअप में आप देख रहे होंगे. ठीक है? तो ये पूरा सेटअप है हमारा, इसमें रॉड है, ऊपर से सेल लगाया है, उसका पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, और नीचे आके जो है ये हमारा एक रॉड जो है वो फिक्स पोजिशन में है अभी. आप लोग क्लियर? तो एक मैग्नेट जो है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट जो है, क्योंकि वो जो रॉड आप देख रहे हो एल्युमिनियम रॉड, ये बन गई है हमारी करंट कैरिंग रॉड बन गई है. आप ठीक है, करंट कैरिंग रॉड जो है, और ये हमारा एक मैग्नेट ले रहे हैं, हॉर्स शू मैग्नेट. अब हम देखते हैं कि जब कभी भी इस मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे तो क्या रहता है, क्या होता है, उस पर इफेक्ट होता है. ये देखे, जैसे मैं मैग्नेट को उसके पास ले जा रहा हूं तो वो रॉड जो है वो डिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ आ रही है. क्लियर? इसका मतलब जो है वो करंट कैरिंग कायल को जब मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं हम लोग, तो उस केस में तो वहां पे एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स जो है उस रॉड को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. क्लियर जी? तो अभी हम आगे इसकी बात करते हैं. आप लोगों ने एक्टिविटी देखी है, क्लियर, जो इफेक्ट एक्टिविटी में आया वो भी देखा, और उससे पहले हम लोगों ने ये फिगर देखी थी. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी और इसका रिलेशन क्या है, और आखिर में क्या हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्यों हो रहा है. क्लियर? सो हमारे पास यहां पे थी ए बी रॉड, थी एल्युमिनियम की, दैट इज अवर करंट कैरिंग रॉड या करंट कैरिंग कंडक्टर. क्लियर? क्योंकि बैटरी के साथ अटैच किया है हम लोगों ने इसको, एंड साथ में हम लोग लेके गए क्या चीज, एक हॉर्स शू मैग्नेट जो है वो उसके साथ में रखा उसमें. तो वहां से ये कंसेप्ट पूरा बन रहा था हमारे पास कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आपने प्लेस किया था कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था. तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो हमने देखा एक्टिविटी में कि रॉड जो है वो क्या कर रही थी, डेविएट कर रही थी, वो क्या करी, मूव हुई, वो थोड़ी सी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. इसका मतलब उस करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करता है क्या, एक फोर्स लगती है उसमें, और उसी फोर्स की यहां बात कर रहे थे, और इसी फोर्स की वजह से हमारा जो रॉड थी एल्युमिनियम रॉड एक्टिविटी में वो क्या हुई थी, डेविएट हुई थी. नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये फोर्स आई कहां से और लगी क्यों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो स्टूडेंट्स देखे, हमारे जो एल्युमिनियम रॉड ए बी है, दैट इज अवर करंट कैरिंग रॉड. क्लियर? और वीडियो नंबर सेकेंड में हैंस ऑस्टर्ड ने बात जो कही थी, जो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था,
उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब हमारी जो रॉड ए बी है, फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ए बी रॉड जो है ये करंट कैरिंग रॉड होने के साथ साथ अब इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो हम हार्शो मैग्नेट उसके पास ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उस पर भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो हैंस एम्पेयर ने, मैरी एम्पेयर जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फाइंड किया कि अगर वो कंडक्टर जो है वो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, मैग्नेट के ऊपर, तो मैग्नेट जो है ये हार्शो मैग्नेट जो है ये भी एक फोर्स लगाया किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। तो यही फोर्स जो है इफेक्ट में आ रही है जिसकी वजह से जो है ए बी रॉड जो हमारी क्या करती है, डेविएट करती है। और यही हमारा कंसेप्ट बनता है कि कभी भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अगर आप प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं पहले कि ये जो किस किस फैक्टर पे फोर्स जो रहेगी वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो पहली बात याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम फोर्स इस ए बी रॉड के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स रहेगी, क्लियर, वो तीन पॉइंट पे डिपेंड करेगी। पहला फैक्टर रहेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अगर ए बी रॉड में करंट आपने ज्यादा दिया है तो फोर्स उसमें क्या रहेगी, ज्यादा फोर्स आएगी, क्लियर, तो बहुत जल्दी मूव करेगा। नंबर टू पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तब भी जो है वो क्या होगा, दूसरा फैक्टर जो है, तब भी जो है फोर्स ज्यादा रहेगी। तीसरा फैक्टर मैटर करता है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो ज्यादा फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पे कि अगर जैसे ए बी रॉड थी हमारे पास, ठीक है, ये बैटरी लगाई है, बैटरी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी करंट जा रहा है और करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं, जिस तरफ से हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया होता है उसी तरफ होता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्लियर। तो अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, क्लियर, जब आप प्रैक्टिकल करो ये एक्टिविटी करो कभी, तो करंट का डायरेक्शन क्या करें, रिवर्स करके देखें, तो उस केस में क्या होता है कि फोर्स जो लगती है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मान लेते हैं कि पहले रॉड जो है वो इस तरफ आई थी, पहले रॉड इस तरफ आई थी, अगर आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो रॉड जो है वो किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, क्लियर। दूसरी बात, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की बात करते हैं इस पूरे कंसेप्ट में हम लोग, यहां पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम बात करते हैं क्या, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें मैक्सिमम जो फोर्स जो है वो मिल पाए, क्लियर। बट अगर आप लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर। अब यही पॉइंट मेन है अब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्लियर। मेन जो चीज है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, आपको करंट का डायरेक्शन पता है, और मैक्सिमम फोर्स को गेन करने के लिए ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, इस कंडीशन में जो फोर्स आती है उस फोर्स का डायरेक्शन जो है पर्टिकुलरली आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन फाइंड करना उस फोर्स का ये जरूरी हो जाता है। और ये फ्यूचर में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना आना चाहिए। और इसके लिए जो है फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल क्या कहता है, पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ ले, कहते हैं कि स्ट्रेच योर द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर राइट लेफ्ट हैंड, सो दैट द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड and the middle finger represent the current, then the direction of the thumb will give us the direction of the force. समझने की कोशिश करें आप इसको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड को ले, लेफ्ट हैंड का आप लोग जो है तीन फिंगर्स, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, इनको आप लोग क्या करें, इस ढंग से स्ट्रेच करें। इस ढंग से स्ट्रेच करने का मतलब वो तीनों आपस में क्या रहनी चाहिए, परपेंडिकुलर में रहनी चाहिए। जैसे देखें ये मेरी एक फिंगर है, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री, ये और थंब परपेंडिकुलर बन रहा है, तो जो भी तीनों फिंगर्स आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये जो मिडिल फोर फिंगर है ये हमें देती है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, एंड ये जो मिडिल फिंगर रहती है ये हमें देती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो थंब का डायरेक्शन, जिस तरफ आपका थंब होगा,
ठीक है, वो हमें देगा किसका डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर, इसको बोर्ड में फिगर में देख ले, फिर वापस फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है किसका डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मिडिल फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड थंब रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको अप्लाई करना हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करना आएगा तो आगे बहुत सारी चीजें हमारी इजी हो जाएंगी। तो अप्लाई करने में एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, देख दो, ये देखिए स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग वायर है, करंट ए से बी में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है लेफ्ट से राइट में चल रही है, मीन्स नॉर्थ से साउथ में चल रही है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्लियर, तो यहां पर आप अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि यहां पे जो फोर्स लगेगी वो कौन से डायरेक्शन में लगेगी। तो क्या बोला आपने, लेफ्ट हैंड है, फील्ड किस तरफ चल रही है हमारी, क्लियर, उस तरफ चल रही है फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ। करंट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस फिंगर को मैं ऊपर ले लेता हूं। तो थंब कहां जा रहा है मेरा, थंब कहां पे हुआ ये वाला, इनवर्ड जा रहा है ना, इसका मतलब इस केस में फोर्स जो रहेगी वो कहां रहेगी, इनवर्ड रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। दूसरी एग्जाम्पल देखें, करंट बी से ए में आ रहा है, ठीक है, फील्ड वही नॉर्थ से साउथ है, बट करंट बी से कहां पे आ रहा है, ए में आ रहा है। इस केस में फोर्स देखते हैं क्या है, तो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके लिए क्या कर देंगे, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द किसको शो कर रही है, फील्ड को, करंट दोनों में आ रहा है तो मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को, थंब मेरा किस तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इट मीन फोर्स किस तरफ लग रही है यहां पे, उस केस में फोर्स कहां रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो फोर्स मतलब परपेंडिकुलरली आपकी तरफ आएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना आप लोग, क्लियर। अब हम एक कॉइल की बात कर लेते हैं, ये देखिए एबीसीडी कॉइल हमारे पास है, क्लियर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, बी से सी, सी से कहां पे, डी में आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से किस तरफ है, साउथ में है। तो इस केस में देखते हैं कि एबी पे जो फोर्स रहेगी वो कैसे लगेगी, तो एबी पर फोर्स कैसे लग रही है, क्लियर, सेम करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट कहां पे है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, फील्ड किस तरफ थी, नॉर्थ से साउथ, और थंब मेरा कहां जा रहा है, इनवर्ट, इट मीन एबी फेस पर जो फोर्स रहेगी वो कहां रहेगी, इनवर्ट, और सीडी पे क्या रहेगी, सीडी में करंट डाउन में आ रहा है, करंट डाउन में मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, फील्ड उस तरफ है, थंब जो है वो किस तरफ आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है आपके लोगों की तरफ, इसका मतलब सीडी पे फोर्स जो है वो कहां रहेगी, आउटवर्ड। तो एबी पे फोर्स इनवर्ड और सीडी पे फोर्स आउटवर्ड, तो ये अगर दोनों फोर्स लगेंगे तो वो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा कि वायर में, रेक्टेंगल कॉइल में, सिमिलरली सर्कुलर कॉइल भी अगर आपके पास होगी तो वो भी क्या करेगी, जब कभी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जो होगी आपके पास, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उसमें भी फोर्स लगेगी, वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। विश्वास नहीं हो रहा है आपको, यकीन नहीं है ना, तो अभी आप एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, एक जबरदस्त मजेदार सी एक्टिविटी देखते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कभी भी कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसको अगर आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें भी क्या होता है, रोटेशन होता है, वो क्या करती है, घूमती है। इस एक्टिविटी में एक बहुत बढ़िया चीज, जो ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और बड़े बहुत बढ़िया सी एक्टिविटी है ये। इसके लिए आपको एक सेल चाहिए, इस तरह से दो जो है सेफ्टी पिन चाहिए आप लोगों को, क्लियर, ये इस तरह के दो सेफ्टी पिन ले सकते हैं आप लोग, और मैग्नेट चाहिए हमें, ठीक है। तो चाहे आप लोग रिंग मैग्नेट ले लें, या फिर आप लोग ये न्यू डायमंड मैग्नेट जो रहता है, थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ये ले सकते हैं आप लोग, क्लियर। तो करना क्या है आप लोगों को, मतलब ये इधर फिक्स कर दिया आपने एक तरफ से, एक कॉइल को आप रोटेट करेंगे, क्लियर, और एक इधर कर लिया, बीच में ये कॉपर वायर की जो है एक कॉइल बनाई है, क्लियर, और इसको बड़े ध्यान से देखना, ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल है, क्लियर, इसका जब कभी आप रेस करेंगे सैंड पेपर से या ब्लेड से, इसका एक साइड जो है, वन हाफ जो है इस तरफ से, और वन हाफ जो है इस तरफ से, आप क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, थोड़ा साफ कर देंगे, ठीक है, सो दैट इनका बैक साइड जो है वो उसके ऊपर की पॉलिश जो है वो इरेज ना हो, क्लियर। एक तरफ से इरेज करना है, एक तरफ से उसकी पॉलिश को इरेज नहीं करना है। तो इस तरह की एक कॉइल बना देनी है आप लोगों ने, और इस कॉइल को आपने जो है इस तरह से इसके बीच में रख दिया, क्लियर जी। अब चूंकि यहां से और ये सेफ्टी पिन्स लगे हैं, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, क्लियर, तो नेचुरली बात है ये हमारी बन गई अब करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा भी, तो जब कभी भी करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड में जब मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे हम लोग,
ठीक है, इसके आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड देंगे हम लोग तो इसमें क्या आएगा, रोटेशन जो है ये खुद देखेंगे आप बड़ी अच्छी तरीके से ये क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। क्लियर? और एक पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको, जो हमने कहा ना कि ये एक साइड जो है अरेज करनी है, एक तरफ अरेज नहीं करनी है, सो दैट कि वन हाफ के बाद जब आपकी कॉयल मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जब वन हाफ में कॉयल जो है ऊपर आ जाए तो उसके बाद वो खुद से नेक्स्ट जो है करंट मिलेगा नहीं उसको, क्योंकि जब ये वो हाफ जो पॉलिश था जब वो टच में आएगा तो करंट नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपना मोमेंटम जो उसको मिला था उसी के कारण वो क्या करती रहेगी, रेगुलर रोटेट करती रहेगी। क्लियर? अब हम एक बार इसको क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, मैग्नेट इसके पास रख कर इसको ट्राई करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, देखें बहुत अच्छी तरीके से ये घूम रही है, और एक बार इसको सेट करते कर देंगे तो ये रोटेट करती रहेगी, बड़ी अच्छी तरीके से घूम रही है, आप ट्राई करते रहना। आई होप कि आप लोग पक्का ट्राई करेंगे इस एक्टिविटी को देखने के लिए। क्लियर? तो कैसे एक रोटेशन आ रही थी, और ये रोटेशन जो है ये आपने देखी है, कहीं बार आपने घर में स्विच ऑन किया होगा तो कोई चीज घूम रही होगी। यस, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में आप देखते हैं ना क्या होता है, स्विच ऑन करते हैं तो रोटेशन स्टार्ट होती है। आपके घर का मिक्सर है, क्लियर, या फैन है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब उन सब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर ही है। तो जो कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं ना उसी का हम लोग क्या एप्लीकेशन है, ये क्या चीज, इलेक्ट्रिक मोटर। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर, देन प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर, एंड मोर ओवर यूजेस। यूजेस तो आपको पता ही होंगे, घर में आप पानी की टैंकी में पानी चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हो, फैन में यूज करते हो, बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घर में यूज होती है। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, ध्यान रखिए, पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर बट इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल। देन प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल द सेम जो हम पूरे वीडियो में देख रहे हैं हम लोग, इट इज बट द फोर्स कि व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल is placed in magnetic field, it experiences rotational motion, टॉर्क, क्लियर। देन अब हम बात करते हैं क्या चीज, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन में पहला पार्ट हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर, क्लियर। आर्मेचर क्या चीज रहती है, ये आप कॉइल देख रहे हैं, ए बी सी डी कॉइल है, क्लियर, बोर्ड पे देख रहे हैं ना आप लोग, तो एबीसीडी कॉइल है, ये कॉइल जो है इट कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टर्न्स ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जो पूरी फ्रेम रहता है पूरा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द आर्मेचर। इसके साथ में लेफ्ट राइट में देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिख रहा है, ये हमारे फील्ड मैग्नेट रहते हैं, क्लियर, जो एक हार्स शो मैग्नेट या आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बनाना तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल फील्ड मैग्नेट जो है हम लोग कहते हैं। यहां पे एक चीज का ध्यान ना, फिगर को सिंपल करने के लिए मैं यही इसी दिन से आपको शो कर रहा हूं, क्लियर, अदरवाइज याद ना कि ऐसे हिसाब से रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर में रहे, सीधी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे, परपेंडिकुलर टू द करंट रहनी चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे रिंग्स है, आर वन और आर टू दो रिंग्स है, इनको हम कहते हैं स्प्लिट रिंग्स या कॉमेटेटर कहते हैं हम लोग, क्लियर। स्प्लिट रिंग्स का मीनिंग क्या हुआ कि एक रिंग का अब बीच में से कट करके दो हाफ्स बन गए, एक आ गया आपका R1 और R एक आ गया क्या चीज R2। इनका जब काम वर्किंग में हम जब जाएंगे तो इनका जो वर्किंग काम देखेंगे हम लोग, तो उसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और मोटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जो है वो क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं। सेकेंडली हम लोग साथ में देख रहे हैं B1 और B2, ये हमारे कार्बन ब्रशेस जाते हैं जो किसके साथ अटैच रहते हैं, R1 और R2 के साथ क्या करते अटैच रहते, बट ये मूव नहीं करते। जब कॉइल मूव करेगी एबीसीडी, आपका आर्मेचर मूव करेगा, R1 और R2 रिंग्स ये भी मूव करती हैं, बट B1 और B2 ब्रशेस जो है ये मूव नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि भाई करंट सप्लाई करना किसको, रिंग R1 को या दूसरी तरफ R2 रिंग को करंट सप्लाई करना, नहीं तो क्या होगा, अगर ब्रशेस नहीं लगाएंगे B1 B2 ब्रशेस नहीं लगाएंगे, आपने डायरेक्ट करंट दे दिया किसको, R1 और R2 रिंग को ही वायर्स में दे दी, जब रोटेशन होगी तो वो सारा जो है लपेट जाएगा फिर सारा, ठीक है, टर्न्स जो है वो हो जाएंगी। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, B1 और B2 दो ब्रशेस लगाते हैं, लेते हैं जो
रिंग्स के साथ मूव नहीं कर अटैच जाते हैं बट मूव नहीं करते। और आप देख रहे हैं आप एक्सटर्नल सर्किट है और एक्सटर्नल सर्किट में आपने एक बैटरी लगी है और आगे क्या लगाई है की लगी है स्विच लगा है एक किस्म का। तो ये थी स्टूडेंट्स क्या हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ लेट अस डिस्कस द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फिगर में देख रहे हैं ना आप लोग कि अब देखते हैं हम लोग कि वर्किंग में पूरा किस तरह से रोटेशन आता है और कौन से डायरेक्शन में आएगा। पहले तो देखिए आप लोग बैटरी जहां लगी है हमारे पास, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारा करंट फ्लो करेगा और करंट हमारा सबसे पहले जाएगा कहां पे, B1 ब्रश के पास, क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव वो बैटरी से करंट जाएगा B1 के पास। वहां से करंट जा रहा है कहां पे, R1 में, R1 से करंट जाएगा A में, A से कहां पे B में, B से कहां पे C में, एंड C से कहां पे D में, और D से करंट हमारा कहां पे आ रहा है, रिंग 2 में आ रहा है, और रिंग 2 से ब्रश B2 में, और B2 से वापस सर्किट इस तरह से क्लोज हो रहा है, क्लियर जी। अब जब हमारे हमने बात करनी है कि करंट हमारा A से B में चल रहा, क्लियर, तो जब करंट A से B में जाएगा तो साथ में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या शो किया है, नॉर्थ से किस तरफ, साउथ में, क्लियर। सो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, करंट है A से B। अब यहां पे हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो डायरेक्शन देखेंगे किसका, किसका डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर अप्लाई करें तो फोर्स वहां पे कहां पे आती है, इनवर्ड डायरेक्शन में आती है, क्लियर। तो ए बी फेस हमारा इनवर्ड मूव करेगा। अब हम चलते हैं सी डी पे, तो सी से डी में करंट आ रहा है, डाउनवर्ड में करंट आ रहा है, फील्ड हमारी है नॉर्थ से साउथ में, क्लियर। अब हम यहां पे वापस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है। तो यहां देखें सी से डी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे, आप लोग अप्लाई करें, ठीक है, प्रैक्टिकली इसको करके देखिए, हाथ अपना रखे जो है स्क्रीन के ऊपर और इसको देखें, तो आपके पास देखेंगे थंब का डायरेक्शन कहां पे आ रहेगा, आउटवर्ड आ रहा है, इट मींस फोर्स आउटवर्ड आ रही है। तो ए बी फेस इनवर्ड की तरफ फोर्स लग रही है, सी डी फेस में क्या हो रहा है कि आउटवर्ड में फोर्स लगी। तो इस तरह से जो है टर्न जो है वो क्या होगी, हाफ टर्न जो है वो कंप्लीट होगी, क्लियर। हाफ टर्न कंप्लीट जब होगी तो सी डी फेस जो है वो हमारा R1 रिंग के साथ टच करेगा और ए बी फेस जो है वो किसके साथ टच करेगा, R2 के साथ टच करेगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो ये देखिए एक छोटे लेवल पे हम देख लेते हैं इसको, A से B में करंट जा रहा है C और ये क्या है D है, क्लियर। तो ये हमने शो किया है क्या चीज, फील्ड का डायरेक्शन शो किया है, क्लियर। अब करंट अगर A से B में चल रहा और फील्ड इस तरफ है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो है क्या रहेगा, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे ना, तो यहां पे फोर्स रहेगी वो कहां रहेगी, इनवर्ड रहेगी। और यहां से सी से डी में करंट आ रहा है, जब सी से डी में करंट आएगा फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ ही है, यहां पे फोर्स रहेगी आउटवर्ड। अब एक्चुअली क्या होगा, इस तरफ फोर्स लग रही है इनवर्ड और इधर फोर्स लग रही है आउटवर्ड, इट मीन यहां से मैं पीछे करूंगा अगर फोर्स अंदर लग रही है और यहां से बाहर लग रही है। तो जब यहां से रोटेट कर, ध्यान रखना ये ए बी इधर है और सी डी इधर है, जब इसका इस फोर्स अंदर की तरफ लगी, यहां से फोर्स बाहर की तरफ लगी, तो जब ये रोटेट करेगा ऐसे करके आएगी पहले लाइक कॉइल, ठीक है, बट जैसे ये रोटेट करेगी इतना मोमेंटम होगा कि ये यहां पे रुकेगी नहीं और ये रिवर्स हो जाएगी, हाफ रोटेशन इसका कंप्लीट होगा। और हाफ रोटेशन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि रिंग्स जो है R1 और R2 चेंज हो जाएंगी और यहां से फेसेस जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। अब CD यहां पे आ गया, AB यहां पे आया, अब यहां पे फोर्स लगेगी इनवर्ड और यहां से लगेगी आउटवर्ड, तो ये वापस क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे करके, अब यहां से फोर्स इनवर्ड और वहां से आउटवर्ड, तो ये रोटेट करेगा ऐसे। इस तरह से जो भी फेस इस तरफ आता रहेगा, ठीक है, मेरे राइट तरफ आता रहेगा वो इनवर्ड और ये वाला आउटवर्ड, इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप देख रहे हैं कुछ चीजें आपके सामने हैं जहां जहां पे इलेक्ट्रिक मोटर क्या हो रही है, यूज हो रही है।